तो हेलो मेरे प्यारे गेमर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, यदि आप लेवल अप पास करने के लिए सोच रहे हो तो सही वीडियो में आए हो। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेवल अप पास से रिलेटेड वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना। एंड लेवल अप पास से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, इस वीडियो के एंड होते होते आपकी प्रॉब्लम की डी एंड हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना। वीडियो का हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक वॉच कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लेवल अप पास से रिलेटेड कोई अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्या पता ये वीडियो आपको दोबारा ढूंढने से भी ना मिले। ओके, इसके बाद कैसे आपको स्क्रीन पे एक डायमंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको वहां पर टैप करना है। चलिए मैं टैप कर देता हूं। एंड जैसे मैं टैप करता हूं, इस तरह के इंटरफेस पे आ जाता हूं। ऊपर से थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है लेवल अप पास वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। एंड इस तरह के अगेन इंटरफेस पे आप आ जाते हो। यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से वॉच करना। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे लेवल अप पास से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको लेवल अप पास लेके भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेवल अप पास करना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवल अप पास आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको 190 रुपए में 800 डायमंड मिल जाते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट होती है। अगर आप और भी टॉपर इवेंट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं 800 डायमंड के लिए। बट लेवल अप पास में आप बहुत कम पैसे में ज्यादा डायमंड पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेवल अप पास एक आईडी में हम लोग कितनी बार कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवल अप पास एक आईडी में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेवल अप पास हम लोग कितनी लेवल में कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी लेवल 30 हो जाती है, फिर 30 से ज्यादा हो जाती है, तब आप लेवल अप पास कर सकते हो। आपको पूरी डायमंड मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेरी लेवल 30 से कम है, क्या मैं लेवल अप पास कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस कंडीशन में लेवल अप पास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी की पूरी डायमंड नहीं मिलेगी जो 800 डायमंड मिलने वाली थी। अगर आपके 30 से कम लेवल है तो आप लेवल अप पास बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मेरी लेवल 30 से कम थी और मैंने गलती से लेवल अप पास ले लिया, मुझे जितने डायमंड मिलने थे उस टाइम मिल चुके हैं। यदि मैं 30 लेवल कंप्लीट कर लेता हूं तो क्या मुझे 800 डायमंड मिल जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइस, यदि आपकी कोई डाउट बच जाती है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा इंस्टेंट की इंस्टेंट। अब बात आती है लेवल अप पास लेने की, तो चलिए मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। अब गाइस, मुझे 190 रुपीज़ के ऊपर टैप करना। जैसे मैं टैप करता हूँ, हमारी पेमेंट विंडो ओपन होके आ जाती है और यहाँ से गाइस हमें पेमेंट कर देना है। चलिए मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। इसके बाद हम सारे डायमंड आपको क्लेम करके भी दिखाने वाले हैं और जो 800 डायमंड है ना, इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको मिलने वाली है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। सो गाइस, जैसे मैं ओपन के ऊपर टैप करता हूँ, सारे के सारे डायमंड इंस्टेंट के इंस्टेंट क्लेम होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, सारे के सारे डायमंड हम लोग क्लेम कर लेते हैं, बारी बारी से क्लेम करके दिखा देता हूँ। और जैसे मैं क्लेम करता हूँ, इंस्टेंट के इंस्टेंट हमारे आईडी में डायमंड ऐड हो जाते हैं। तो आप गाइस मिस नहीं करना, सारे डायमंड को आपको क्लेम कर लेना है बारी बारी से। तो गाइस, यहां से मुझे सारे के सारे डायमंड क्लेम कर लेने हैं, एक भी डायमंड यहां से मिस नहीं करना है। ओके, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, आज ही हम सारे के सारे डायमंड क्लेम कर लेंगे। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से क्लेम कर लेता हूं। ये लीजिए, मैंने लास्ट डायमंड भी क्लेम कर लिया। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरे आईडी में 818 डायमंड हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।